मैं मेहरा दिल्ली से समन संघ से पिछले 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने 2 संगीति अटेंड की हैं समन संघ की। तो बेसिकली जो भगवान बुद्ध की और बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं वो मैं भगवान इनके जो नाम है उसी में देख रहा हूँ। आई से जब हम वी पीपल की बात करते हैं, आई वी द पीपल की जब हम बात करते हैं तो ये सारी शिक्षाएं इसमें भगवान बुद्ध की और बाबा साहब की आ जाती हैं। भगवान ने भी यही कहा कि भाई सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस की तरफ जाइए, आप अपने निस्वार्थ भाव की तरफ जाइए। यही बात बाबा साहब ने कही। बाबा साहब ने पूरे जीवन अपने त्याग से निस्वार्थ भाव से काम किया। सर बोलिए। हेलो, आ रही आवाज? जी, आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। जी। मैं सर अभी सभी अपने समन बहन भाइयों का बहुत साधुवाद करता हूँ जो इस बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि बाबा साहब का भी यही सपना था। बाबा साहब ने जो सबसे ज्यादा मेहनत की इस बात की कि इस देश को वो बोध में बनाना चाहते थे। बाबा साहब ने एक जगह कोट की है, अगर मैं 10 साल जिंदा रहा तो मैं सारे भारत को बोध में बना दूंगा। तो बाबा साहब को सिर्फ 2 महीने से भी कम समय मिला कि बाबा साहब का जो परिनिर्वाण है 1956 8 दिसंबर को हुआ, उससे पहले सिर्फ 2 महीने पहले ही उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो उनको 2 महीने से भी कम समय मिला। अगर उनको 5 साल 6 साल 10 साल मिल जाते तो शायद बौद्ध में बना देते। बाबा साहब का मैं वो आखिरी सपना ही कहूंगा। बाबा साहब ने सबसे ज्यादा महसी काम के लिए करी बनाए थे, उन्होंने संविधान बनाया, 3 चीजों पे बहुत ज्यादा काम किया, भारत का संविधान बनाया, हिंदू बनाया और सबसे ज्यादा काम भी वो इन्होंने भारत को इस जाति व्यवस्था से मुक्त करने के लिए काम किया। जो 3 किताबें जो मैं देख रहा हूँ, 3 बुक्स हैं बुद्धा एंड धम्मा, जिनको लिखने में उन्होंने 10 साल लगाए। उसके बाद में 2 छोटी-छोटी किताबें हैं, अगर मैं देखूं तो मैं दिखाना चाहूंगा। ये किताब है धम्मा, इसमें बौद्ध पूजा पाठ और बौद्ध उपासना पाठ, बौद्ध पूजा पाठ और बौद्ध उपासना पाठ दोनों इसमें संग्रहित की गई है। दोनों बुक्स को इसमें संग्रहित किया गया है। डॉक्टर राजेश चंद्रा जी ने संग्रह किया है और बौद्ध पूजा पाठ और बौद्ध उपासना पाठ, तो कुल मिलाकर 3 किताब लिखी है बौद्ध धर्म के ऊपर। इसमें इन्होंने पूरा बताया है कैसे बौद्ध पूजा पाठ चाहिए, कैसे नील पाठ हमें करने चाहिए, कैसे भगवान बुद्ध को मान देना चाहिए, इन्होंने इसमें पूरा लिखा है। कैसे विवाह संबंध में कैसे किस तरीके से करना चाहिए, ये सब बातें इन्होंने मेंशन करी है। तो बाबा साहब बहुत ज्यादा ये बौद्ध धर्म के बारे में चाहते थे और बौद्ध धर्म के बारे में कहना चाहते थे। अब बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अगर हम देखें तो बहुत ही साधारण शिक्षाएं हैं। अगर हम कुछ उसमें से ले लें, अगर कुछ आज हम ले लें तो जैसे एक करणीय मेत्ता सूत्र है, उसमें कहा गया है उजू बनो। भगवान बुद्ध ने कहा उजू बनो, मतलब सरल बनो। फिर उन्होंने कहा अति सरल बनो, बहुत सरल बनो। तो ये छोटी छोटी बातें अगर कर लें, अगर हम सरल बन जाएं, छोटा सा शब्द है इसका बहुत बड़ा मतलब है। सरल का मतलब है कि
जो वाणी बोलते हैं हम बाहर और अंदर हमारे एक ही वाणी होनी चाहिए। सरल का मतलब ये है। दूसरा ये जो हम मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि आई टू वी, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कोई भी आदमी अपने ईगो नहीं छोड़ना चाहता, अपने सेल्फ को नहीं छोड़ना नहीं चाहता। तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में ये मेन शिक्षा है सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस की तरफ जाना। जो तीन यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है भगवान बुद्ध ने, पहली है इम्पैक्ट, दूसरी है सफरिंग और तीसरी है अनाता। अनाता जो बात करी है, अनाता उसका मतलब यही होता है सर, आपकी आवाज चली गई। सुधीर राज सिंह सर आए, सर आए, आप आए सर, सुधीर राज सिंह सर।